मंगलवार की चांद रात से ही घरों में ताजिया स्थापना के लिए खरीदारी भी शुरू हो गई। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि बुधवार को मुहर्रम की पहली तारीख है। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने और 50 से अधिक लोगों को एक साथ न इकट्ठा होने की अपील की है। 68 दिनों तक गम के इस महीने में मजलिसों का दौर चलेगा। कोरोना संक्रमण के चलते कोई जुलूस नहीं निकलेगा। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैद है। और एहतियात बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हमारी गुजारिश यही होगी कि जो जो लोग हज़रात मुहर्रम मनाएं वो कोविड के कवानीन पर अमल ज़रूर करें, क्योंकि उस पर ये कोई ज़िद बहस की बात नहीं है। ख़ुद उनकी भलाई इसी में है कि वो अपने कानून पर अमल करें, क्योंकि ये ऐसा मर्ज है कि जिसका अभी तक कोई पूरा इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। वैक्सीन लगते हैं तो उससे थोड़ी कुछ हिफाजत हो जाती है, लेकिन 100% अभी तक कोई इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हो पाया है। और जब खुदा न खास्ता किसी को मदद हो जाता है तो फिर अजीज़दार भी छोड़ देते हैं, औलादें छोड़ देती हैं, माँ बाप को औलादें छोड़ देती हैं, औलादों को माँ बाप छोड़ देते हैं। ऐसा ख़तरनाक ये मर्ज़ है, लिहाजा इस पर बहुत एहतियात होना चाहिए और इस पर कोई ज़िद बहस नहीं है। ये ज़िद की जाती है साहब फुला जगह इतना मजमा तो हम भी उतना ही मजमा करेंगे, तो ये बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि जो वहाँ मजमा जमा अगर कोई कर रहा है तो वो रिस्क ले रहा है, अपनी जान खतरे में डाल रहा है वो। तो हम अपनी जान को अपनी अदादारी भी करना है, उसी के साथ साथ ये अंदाज भी इख्तियार करना है कि किसी की जान खतरे में ना पड़े। लिहाजा पिछले साल तो 5 ही लोगों की यहाँ पर इजाज़त थी, अब कम से कम 50 लोगों की इजाज़त प्रशासन की तरफ से मिली है।